धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में, और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। का सेवा ही बस काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है, साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है, पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरु व श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अर्हम योग प्रणेता पूज्य गुरु व श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अर्हम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात सूत्र ग्रंथराज जी के 6ठे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 7 अक्टूबर 2023 से होना निश्चित की गई है। इस बार आपको अध्याय 1 से 4 सुनाने का अंतिम अवसर प्राप्त होगा, इसीलिए इसे छोड़िएगा नहीं। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/sutrapath2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2023 है। 6ठे अध्याय की कक्षा को शुरू करने से पहले घर घर को गुरुकुल बनाने के लिए अध्याय 5 का सूत्र पाठ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आ आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशेवगाः धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थितोपग्रहौ धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबंध सौक्ष्मे स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च अड़वह स्कंधाश्च भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादडु भेद संगाताभ्याम चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम् सत् तद्भावाव्ययम् नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रूक्षत्वाद् बन्धः न जगन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बन्धे दिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवत् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः तद्भावः परिणामः। इत्तत्त्वार सूत्रे सच में सूत्रों का शुद्ध पाठन सुनने और करने से मन को अद्भुत आनंद और विशुद्धि की अनुभूति होती है। अब हम चलते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक बड़ा सूत्र आ रहा है, 24 नंबर का सूत्र है। 24 ही तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकरों की ही भावना बताने के लिए यह एक सूत्र आ रहा है जिसके माध्यम से बताया जाना है
कि जितने भी हमने आपको कर्म के बंध के या आश्रव के कारण बताए हैं उन सब में जो प्रमुख कर्म है वो यह है जो हम अब बताने जा रहे हैं। सबसे तीव्र पुण्य कर्म, तीन लोक में इससे बढ़कर के कोई भी मंगलकारी शुभकारी कर्म नहीं है और इससे बढ़कर के तीन लोक में उस कर्म को बांधने वाले कोई भाव नहीं है, जिन्हें हम 16 कारण भावना आदि कहते हैं, वह दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं का वर्णन इस सूत्र से किया जाना है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्य का परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। यह तीर्थकरत्वस्य, यहाँ पर तीर्थकर शब्द आता है, दोनों ही शब्द बनते हैं, तीर्थंकर भी होता है और तीर्थकर भी होता है, तीर्थम करोति इति तीर्थकर अथवा तीर्थंकर। तो तीर्थकर शब्द है सूत्र में, इसको भी सही ही समझा करें, कुछ लोग इसको गलत सा समझते हैं। तो जो तीर्थ को चलाते हैं, तीर्थ को आगे बढ़ाते हैं, तीर्थ को करने वाले होते हैं, उन्हें तीर्थकर कहते हैं, उन्हीं को हम तीर्थंकर कहते हैं। और ऐसे तीर्थंकरों का होना जो जिस पुण्य के माध्यम से होता है, जिस शुभ भावों के माध्यम से होता है, वो शुभ भाव यहाँ पर 16 बताए गए हैं। इन 16 भावनाओं को ही कारण रूप में माना जाता है जिसके माध्यम से तीर्थंकर नाम जैसे शुभ कर्म का आश्रव होता है। इन 16 कारण भावनाओं को यहाँ पर क्रम क्रम से बताया जाना है। उससे पूर्व में यह समझना भी जरूरी है कि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तब होता है जब केवली या श्रुत केवली का पाद मूल भी हमको प्राप्त हो। पादमूल माने उनका चरण सानिध्य हमको प्राप्त हो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो भावों की विशुद्धि होती है वो विशुद्धि हमें उन्हीं के समक्ष इस प्रकार की भावनाओं के माध्यम से मिलती है। चूंकि यहाँ पर भावनाओं का प्रकरण है इसलिए यहाँ पर सिर्फ भावनाओं का ही उल्लेख किया गया है। भावों का प्रकरण है इसलिए यहाँ पर जिन भावों से वो आश्रव होता है उस भाव का वर्णन किया गया है। अन्य जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, केवली या श्रुत केवली का होना अथवा कर्म भूमि का मनुष्य होना, ये सब आवश्यक बातें यहाँ नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण जो भाव रूप हैं उनको ही सिर्फ बताया जाना है। अन्य जो व्यवस्थाएँ वो अन्य आगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं, वहाँ से जानना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं कि इस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव या बंध कोई भी जीव जो सम्यक दृष्टि है वह कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान में किसी भी गुणस्थान वाला जीव इस तीर्थंकर प्रकृति को बंध कर सकता है और सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन के काल में ही इस प्रकृति का बंध होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उस समय पर भी यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के काल में भी हो सकता है और जिस समय पर छयोपशम सम्यक दर्शन चल रहा है उस समय भी हो सकता है, अथवा कोई छायक सम्यक दृष्टि जीव है वह भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव जो होता है वह सम्यक दृष्टि होना चाहिए। चौथे गुणस्थान से लेकर के सप्तम गुणस्थान में रहने वाला कोई भी जीव इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्रारंभ कर सकता है, यद्यपि इसका बंध 8वें गुणस्थान तक भी होता है, लेकिन प्रारंभ करने वाला जीव 4 से 7वें गुणस्थान में ही रहने वाला होना चाहिए। 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलता रहता है। इस प्रकृति का बंध केवल 8वें गुणस्थान तक होता है, फिर इसका जो बंध है वो बंध विच्छुत्ति हो जाती है, उसके आगे बंध नहीं होता। उदय आएगा
तो उदय जो आता है वो केवल इसका 13वें गुण स्थान में आता है। जब सयोगी केवली जीव बनता है, अरिहंत बनते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, तब इस कर्म प्रकृति का उदय आता है। इस प्रकृति का इतना प्रभाव रहता है कि उदय में आए बिना भी जिसे तीर्थंकर बनना है, वह तीर्थंकर प्रकृति को अगर अपनी सत्ता में सत्व में रखे हुए है तो उसी के प्रभाव से उसके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक ये तीनों हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान कल्याणक होगा तब तो केवल ज्ञान हो चुका होगा और केवल ज्ञान के होने पर ही इस तीर्थंकर कर्म का उदय होता है। तो जब इसका उदय नहीं है तो भी इसके प्रभाव से ये सब कल्याणक हो जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जो जीव है वह पिछले भव में से भी पिछले भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है और उस कर्म प्रकृति को बंद करके वह अगर उसने आयु का बंद नहीं कर रखा पहले तो वह नियम से देव आयु को प्राप्त करता है और देव आयु में भी रह करके उस आयु को पूर्ण करके जब मनुष्य बनता है तो मनुष्य बनने से पहले ही गर्भ में आने से पहले ही उसके प्रभाव से ये गर्भ कल्याणक आदि की प्रक्रिया और जो अतिशय होते हैं वो शुरू हो जाते हैं जो आप सब जानते हैं। तो यह उस कर्म प्रकृति की सत्ता का भी इतना प्रभाव है कि उदय में आने से पहले ही वह परम प्रकृति के प्रभाव से देव लोगों के माध्यम से यह 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से पहले ही होने लग जाती है। यह कर्म प्रकृति का ही प्रभाव है, इसलिए सत्व का भी इसका इतना प्रभाव है। और उदय में आने पर तो 3 लोक में एक तहलका मच जाता है। तहलका जानते ना? हाँ। तो वो इसी को आचार्य ने लिखा है कि ये 3 लोक में क्षोभ करने वाली प्रकृति है। क्षोभ, क्षोभ माने मतलब सबको जो है क्षुब्ध कर देती है। जैसे कहीं डमरू बज रहा हो तो सब लोग उसकी आवाज सुन करके आ जाते हैं, है ना? कोई भी मदारी आता है तो गली में सब लोग बाहर निकल करके आ जाते हैं, है ना? ऐसे ही जैसे ही इस कर्म प्रकृति का उदय होता है तो 3 लोक में सबको पता पड़ जाता है कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान के साथ में समव शरण में विराजमान हो गए। इस तरह से इस कर्म प्रकृति के माध्यम से पिछले जन्म में अगर वह आयु का उसने बंद नहीं किया है तो वह देव आयु के बंद के साथ में अगले जन्म में वह मनुष्य बनकर के 5ों ही कल्याणकों का पात्र बन जाता है, है ना? दूसरे जीव वह भी होते हैं जो पहले नरक आयु का बंद कर लिए हों और फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करके तीर्थंकर कर्म का बंद भी कर लेते हैं, है ना? हाँ, जैसे राजा श्रेणिक आदि। तो ऐसे जीव फिर नरक में जाकर के नरक की आयु को भोग करके पुनः फिर मनुष्य बनते हैं तो उन मनुष्यों उनके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं, है ना? तो देवों से भी आकर के डायरेक्ट यह जीव तीर्थंकर बन सकता है देवों से आकर के, और नरक से आकर के भी यह जीव तीर्थंकर बन सकता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदेह आदि क्षेत्रों में जैसी स्थिति हमेशा पाई जाती है कि कोई गृहस्थ है, गृहस्थ ने भी 5वें गुण स्थान में, 4th गुण स्थान में तीर्थंकर कर्म का बंद कर लिया, तो अब वह जब दीक्षा वगैरह लेगा तो उसके लिए तप कल्याणक होएगा। समझ आ रहा है? ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, तो उसके 3 कल्याणक हो जाएंगे, है ना? अगर कोई उसी जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके मोक्ष जाने के लिए उसी के योग्य है तो वह गृहस्थ होगा तो उसके 3 कल्याणक हो जाएंगे। और कोई मुनि महाराज होंगे, मुनि महाराज बन गए उसके बाद उनने दर्शन विशुद्धि आदि भावना केवली श्रुत केवली के चरण मूल में भाई और फिर उनको तीर्थंकर कर्म का बंद हो गया तो उनके 2 कल्याणक भी हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो वो तीर्थंकर के साथ में केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ज्ञान कल्याणक हो जाएगा, मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। ऐसे 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं और 5 कल्याणक वाले भी होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर बनते हैं सभी 5 कल्याणक वाले ही बनते हैं। 2 या 3 कल्याणक वाले आपको विदेह क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएंगे। यह जो तीर्थंकर प्रकृति के विषय में जो विशेष जानकारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं पर ध्यान देना है।
है ना। दर्शन विशुद्धि भावना, सबसे पहली भावना, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन है, और उसकी विशुद्धि का मतलब है उसमें और ज़्यादा शुद्धता आना, यानी सम्यक दर्शन में भी जो दोष लगते हैं उन दोषों से रहित होना, जो निर्ग्रंथ मार्ग है उस निर्ग्रंथ मार्ग में रुचि होना, है ना। क्योंकि निर्ग्रंथ मार्ग के बिना कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता, निर्ग्रंथ मार्ग के बिना कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं चलता। इसलिए जो निर्ग्रंथों के मार्ग में रुचि रखता है और उन्हीं की हमेशा सेवा, शुश्रूषा, आराधना, विनय आदि में हमेशा तत्पर रहता है, उस जीव के सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती जाती है, उसी को दर्शन विशुद्धि कहा जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि सम्यक दर्शन यदि है तो उसकी और विशुद्धि के लिए हमें जो मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ रूप है हमें उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाना होगा, है ना। क्योंकि इसी से मोक्ष मार्ग बनता है और मोक्ष मार्ग का यही साधन है, इसलिए निर्ग्रंथता में रुचि रखना। केवल आप स्वाध्याय में रुचि रख करके सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं बढ़ा सकेंगे, रुचि किसमें रखना है, निर्ग्रंथता में। निर्ग्रंथ भाव, निर्ग्रंथ गुरु कैसे होते हैं, उनमें रुचि रखने से ही आपके सम्यक दर्शन में वृद्धि होगी, ऐसा पूज्यपाद आदि सभी प्रामाणिक आचार्यों ने कहा है। तो इसी को सम्यक दर्शन की विशुद्धि कहा है कि इसमें सम्यक दर्शन में जो हमारे क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं उनसे बचाना, अपने सम्यक दर्शन में किसी भी मिथ्या लोगों के माध्यम से या मिथ्या आयतनों की प्रशंसा आदि के माध्यम से जो दोष लगते हैं उससे बचाना, अपने अंदर आठ मदों के माध्यम से जो दोष लगते हैं उनसे बचाना, निसंकेत निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना, ये जो आठ गुण माने गए हैं इनमें भी कमी नहीं आने देना, ये सब सम्यक दर्शन की विशुद्धि के कारण है। तो इसी विशुद्धि के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, ये सबसे पहला कारण है, प्रमुख कारण है। फिर दूसरा कारण बताया जाता है विनय संपन्नता। दर्शन यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, चारित्र माने सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन आत्मा के विशिष्ट गुण हैं। इन गुणों में विनय से, आदर से भरपूर होना, संपन्नता का मतलब संपन्न होना, जैसे बोलते हो ना हम धन से संपन्न हैं, हम परिवार से संपन्न हैं, संपन्न से मतलब परिपूर्ण है, जो होना चाहिए हमारे पास है, उसी तरीके से विनय की संपन्नता बताई गई है, विनय से परिपूर्ण होना। तो इन गुणों के प्रति भी विनय रखना, और जो इन गुणों को धारण करने वाले गुणी जन हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, उनके प्रति भी विनय से परिपूर्ण होना, यह अपने आप में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन जाता है। एक विशेष बात यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कहीं कहीं आपको ऐसा भी पढ़ने को मिल सकता है कि केवल दर्शन विशुद्धि ही सबसे पहला कारण होना चाहिए, है ना, उसके बिना आपको कोई भी अन्य कारणों से कभी भी जो है इस तीर्थंकर कर्म का बंध नहीं होगा, है? लेकिन यह एकांत सत्य नहीं है। दर्शन विशुद्धि होना ही चाहिए और अन्य उसके बाद में आना चाहिए, ऐसा भी कोई एकांत नहीं है। यहाँ जो 16 कारण दिए जा रहे हैं, इन 16 ही कारणों में से आप किसी भी कारण से तीर्थंकर कर्म का बंद कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। दर्शन विशुद्धि का जितना महत्व है उतना ही महत्व विनय संपन्नता का भी है, क्योंकि जो विनय से संपन्न होगा वो सम्यक दृष्टि ही होगा, जो विनय से संपन्न होगा वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आदर और उसकी आराधना कर पाएगा, वही गुणवान और गुणों के प्रति अपना विनय भाव परिपूर्ण रख पाएगा। तो इनसे भी अपने अंदर सम्यक दर्शन ही होता है, और यह केवल विनय संपन्नता भी अपने आप में एक स्वतंत्र कारण समझ करके चलना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये आप विशेष बात जो आचार्य वीरसेन महाराज जी की जो धवला ग्रंथ है उसके माध्यम से आपको बताई जा रही है।
षटखंडागम सूत्रों में भी ये 16 कारण की बात आती है और ये 16 कारण दिए गए हैं। और उसकी जो टीका है आचार्य श्री वीरसेन महाराज जी की, उन्होंने जो है ये लिखा है कि हर एक कारण अपने आप में परिपूर्ण है, इस एक कारण से भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, होता है। और इसी तरह की युक्तियां देकर के उन्होंने उसको सिद्ध किया कि जब किसी के अंदर विनय संपन्नता आएगी तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा? विनय संपन्नता होगी तभी तो वो सम्यक दर्शन की आदर सत्कार कर पाएगा, तभी वो सम्यक दृष्टि का भाव उसके अनुसार उसको जो है कुछ बहुमान दे पाएगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो गुण हैं उन सबकी प्राप्ति भी विनय संपन्नता से होती है। और इस विनय संपन्नता से भी जो है हम केवल तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। तो ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए ऐसी एकांत धारणा नहीं बनाना जो अधिकतर लोगों की रहती है कि दर्शन विशुद्धि जरूरी है, उसके बाद कुछ ये कारण हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन ये पहले जरूरी होना जरूरी है। तो ऐसा कोई एकांत आग्रह अपने को नहीं समझना, क्योंकि यह भी आचार्यों के अभिप्राय हैं, इनको भी आपको समझना है। श्री जिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जन मन हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। फटे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है, उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनि श्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजे go.arham.yoga/ttvshanka पर या QR कोड को स्कैन करें। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कौन से गुणस्थान में होता है? 5वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में। अध्याय 6 की कक्षा 25 के आज के सवाल का सही उत्तर है शुभ नाम कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें, थ्योरी बहुत पढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर।
संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में पूजन अभिषेक विधान स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखे ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। का सेवा ही बस काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है, साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है, पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है।